वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के बच्चों का सिलेबस लेके आया हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और हिस्ट्री का नाम क्या है। पहले देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 ईस्वी तक, यानी प्रारंभिक काल से 300 ईस्वी तक भारत का इतिहास, इसके बारे में पढ़ने वाला और सिलेबस में क्या क्या है सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो टोटल आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं और पहले यूनिट में देखते हैं। तो पहला यूनिट में प्रारंभिक भारतीय इतिहास की व्याख्या के स्रोत, और दूसरे यूनिट में पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के सर्वेक्षण, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, यानी पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण के बारे में पढ़ेंगे। और यूनिट 3 है हड़प्पा सभ्यता, प्रारंभिक नगरवाद, नगर नियोजन, आर्थिक संस्कृति, पैटर्न और गिरावट। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप तो जानते होंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं यूनिट 4, वैदिक और महापाषाण संस्कृतियों सिंहावलोकन। यूनिट 5 में है आपका दूसरा शहरीकरण, भौतिक और सामाजिक परिवर्तन, बौद्ध धर्म और जनावाद। यूनिट 6 में है मौर्य साम्राज्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था, अशोक का धम्म, स्तंभ और शिलालेख। और आगे बढ़ते हैं, आगे वीडियो में देखते हैं। आपका 7वां यूनिट है प्रारंभिक तमिलकम, संगम साहित्य, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और समाज का सर्वेक्षण। और आपके 8वें यूनिट में है लास्ट में मौर्य काल के बाद सातवाहन और कुषाणों के विशेष संदर्भ में राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति। ये सारे यूनिट मैं आपको कराने वाला हूँ, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी ये सब्जेक्ट चॉइस किया है। और अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको सारी वीडियो सारी यूनिट कराने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं सिलेबस की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।